मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए क्या नुस्खा है? रिसर्चर्स का मानना है कि लंबे उम्र की गारंटी देने के लिए कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाया है जिसे फॉलो करके हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो आइए इसे और डिटेल से समझते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल को देखा जाए तो आमतौर पर हम इसे तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, वार्म और कंफर्टेबल क्लाइमेट, फैमिली और सोशल लाइफ और हेल्दी डाइट। अब इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले वार्म एंड कंफर्टेबल क्लाइमेट। गर्म तापमान, ताजी हवा और धूप में लोगों को बाहर अधिक समय तक रहने की अनुमति देता है। बदले में अधिक समय तक बाहर रहना ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल की ओर ले जाता है। यदि मौसम अच्छा है तो लोगों के पास आउटडोर गेम्स और वैकेशन एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। लोग समुद्र में तैरना शुरू कर सकते हैं, जबकि शहर के लोगों की एक्सरसाइज सड़कों पर चलने से हो सकता है। गर्म तापमान, बढ़ता चिपचिपे मौसम ज्यादा समय तक रहता है और वहाँ रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी रोग कम हो सकता है। तो दूसरा है फैमिली और सोशल लाइफ। सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं जो लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं वो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। परिवार की यूनिटी एक अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम है और सभी होपफुली और खुशी से सपोर्ट करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अग्री हैं कि लोगों की आपसी बातचीत और सच्ची दोस्ती लोगों को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करती है। वार्म वेदर सिटीज दोस्तों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए मदद करती है। एक साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज हैं और पार्टीज अक्सर बाहर होती हैं। यहाँ तक कि ठंड लगने के बारे में चिंता किए बिना वे इवेंट से पैदल भी चल सकते हैं। तो अब तीसरा आता है हेल्दी डाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गर्म क्लाइमेट में फसलों की उत्पादकता बढ़ती है और आप स्थायी रूप से उगाए गए उत्पादों की ताजगी को खत्म नहीं कर सकते। ये सारे एकमात्र विकल्प हैं जो लोगों को जंक फूड के बजाय ताजे फल और सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सब चीजें एक निवास स्थान को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ दुनिया के 7 हेल्दीएस्ट प्लेसेस की लिस्ट दी गई है, जो वैज्ञानिकों के अनुसार लोगों और प्राकृतिक माहौल का एनालिसिस करते हैं। कोस्टा रिका का निकोया पेनिनसुला। कोस्टा रिका के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित इस स्वर्ग को पृथ्वी के ब्लू जोन्स में से एक नाम दिया गया है, जो एक ऐसा स्थान है जहां सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोग रहते हैं। 2007 में इस बात पर ध्यान देने के लिए एक स्टडी किया गया है कि इतने सारे निवासी 90 और 100 साल तक जीवित क्यों रह रहे थे। यह पता चला है कि पेनिनसुला कोस्टा रिका में सबसे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट का घर है। लोकल आहार बहुत मोटे तौर पर चोरोटेगा से प्रभावित होता है, जो अपने देश का समूह है, जो मोटे तौर पर हाई फोर्टिफाइड कॉर्न और बीन्स खाता है, जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर रहता है। पानी में कैल्शियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखने और कम फ्रैक्चर में मदद करता है। इसके अलावा वहाँ रहने वाले परिवार और समुदाय के महत्व को सराहा करते हैं और खुद काम में संतुष्टि खोजते हैं। वे मूल्यवान महसूस करते हैं और ज्यादा अच्छा रहने में अपना योगदान दे रहे हैं। वोल्केनो पनामा। आपकी लंबी उम्र हो और आप समृद्ध बने। वोल्केन का स्टार ट्रेक सीरीज में ये उनका एक ग्रीट करने का तरीका था। वास्तविक जीवन में पनामा के नागरिक बस यही कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जीवन प्रत्याशा देश की बाकी हिस्सों से बहुत दूर है। वैज्ञानिकों ने लगातार वसंत जैसे मौसम में ताजा घरेलू भोजन, कम लागत में रहने वाले और शांत लाइफस्टाइल के कॉम्बिनेशन का श्रेय दिया है। चरिकी रीजन, जो ज्वालामुखी का हिस्सा है, वहां से पनामा की 80% उपज की सप्लाई करता है। निवासियों और पर्यटकों को खेती, लंबी पैदल यात्रा, पक्षियों को देखने और ह्यूमिड झरनों में भाग लेने से तनाव मुक्त रहते हैं। विल्काबाम्बा, इक्वाडोर। विल्काबाम्बा कई तरह की यूनिक फीचर्स की मदद से इक्वाडोर ने वैली ऑफ लॉन्गेटिविटी जैसा अपना नाम कमाया है। वर्ष भर चलने वाला मौसम नए मौसमों के अनुकूल होने के साथ साथ शरीर की ऊर्जा को फैलने से रोकता है और साथ ही वर्ष भर वहां फल और सब्जी उगा सकते हैं। पानी में मिनरल्स का एक निश्चित कॉम्बिनेशन मटेरियल्स स्वस्थ रहने में योगदान करती है।
नकारात्मक आयन जो हवा में घुला रहता है, जैसे धूल, मोल्ड स्पोर्स, पराग, पालतू जानवरों की रूसी, गंधक, सिगरेट के धुएं, बैक्टीरिया और वायरस को साफ करते हैं जो पहाड़ों और नदियों से निकलते हैं। क्षेत्र के सुंदर दृश्य लंबी पैदल यात्रा और व्यायाम को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा वहाँ के निवासी प्राकृतिक उपचारों पर भरोसा करते हैं जो कि विकसित देशों में उपलब्ध नहीं है। यह सभी शांत लाइफस्टाइल के साथ संयुक्त हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग यहाँ अपने 100 साल के उम्र में भी अच्छी तरह से रह रहे हैं। इटली में सार्डिनिया। मिडिल और साउथ अमेरिका में तालाब के पार इटली के तट पर एक स्वायत्त द्वीप स्थित है जिसे सार्डिनिया कहा जाता है। वहाँ सिर्फ 1.3 मिलियन लोगों के लिए ही घर है और भूमध्य आहार के स्वस्थ लाभों का प्रतीक है। सार्डिनिया में रहने वाले लोग मांस मछली बहुत ही कम खाते हैं। वे इसके बजाय सेम, टमाटर, साग और लहसुन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सार्डिनिया के लोगों को ज्यादा व्यायाम करने के लिए जाना जाता है। कई लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं और काम भी करते हैं। जीवन भर एक मजबूत सांप्रदायिक बंधन बनाए रखते हैं। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लोग साल भर की आउटडोर लाइफस्टाइल अपनाते हैं। सभी के लिए कुछ न कुछ है, लेकिन सबसे लोकप्रिय गतिविधि जो 64% वयस्कों को संलग्न करती है वह है ट्रैपिंग या रात भर की लंबी पैदल यात्रा। तैरना भी व्यायाम का एक व्यापक रूप है। कोई भी समुद्र से 90 मिनट की ड्राइव से ज्यादा दूर नहीं रहता है। अधिकांश आबादी अपने स्वयं के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है या पड़ोसियों के साथ अलग अलग फलों और सब्जियों का आदान प्रदान करती है। रहने की लागत कम है और जीवन एंटीसिपेशन यूएस की तुलना में 2 साल अधिक है। स्विट्जरलैंड लगातार वर्ल्ड हेल्थ और हैप्पीनेस के लिस्ट में टॉप पर है और यह पता लगाना मुश्किल नहीं है कि क्यों। देश की प्राकृतिक सुंदरता और अलग अलग कल्चर्स का एक साथ होना जीवन यापन में आसानी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीवन जीने का एक तरीका बनाने के लिए एक अच्छा माहौल प्रदान करती है जो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हैं। स्विस लोगों को शांत और कम तनाव दिया जाता है जो निष्क्रिय आक्रामकता के लिए सुखदता और फास्ट फूड के जगह स्वस्थ भोजन पसंद करते हैं। स्विट्जरलैंड के शानदार आउटडोर की पहुंच को एक फेमस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके आसान बनाया गया है। देश के बाहर ट्रैवल को आसान बनाते हुए लोगों के दूसरे वैकेशन डेस्टिनेशन में कम्फर्टेबल ट्रेन और फ्लाइट्स के लिए भरपूर ऑप्शंस हैं। जबकि एक स्विस पासपोर्ट दुनिया में सबसे कठिन है। अगर आप वहां पर घर बनाने के लिए खर्च कर सकते हैं तो यह लंबे समय के कठोर प्रयास से मुमकिन हो सकता है। आइसलैंडर्स को लंबी सर्द और सर्दियों की रातों से निपटना पड़ता है, साथ ही उन्हें लंबे सुंदर गर्मियों का आनंद भी मिलता है और वे उनका आनंद लेते हैं। हम गर्मियों में सिर्फ कुछ ही घंटों के धुंधलाके के साथ आइसलैंडर्स के सन गोल्फ टूर्नामेंट, बाइक रेस, सोल्स्टिस पार्टीज और सामुदायिक त्योहारों में सब कुछ में भाग लेकर अद्भुत लाभ उठाते हैं। आइसलैंड में पढ़े लिखे लोगों की दर 99% है। कोई मैकडोनल्ड्स नहीं है, लगभग ना के बराबर क्राइम है और कोई मच्छर भी नहीं है। विश्व की इकोनॉमिक फोरम्स ने भी आय में भेद, लिंग भेदभाव के तनाव को मिटाते हुए आइसलैंड को दुनिया में लैंगिक समानता के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा दिया है। सोशल सपोर्ट, उदारता, एक एक्टिव लाइफस्टाइल और लाइफ को चूज करने का फ्रीडम आइसलैंड को एक स्वस्थ परिवर्तन बनाने की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। ये 7 स्थान कई सिमिलर फैक्टर्स को साझा करते हैं जो अपने निवासियों की लंबी आयु, खुशी और फिजिकल डेवलपमेंट में योगदान करते हैं। हालांकि आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन स्थानों पर नहीं रहना होगा। लंबे समय तक रहने वाले लोगों के कुछ सामान्य व्यवहारों को कॉपी करके आप अपने जीवन काल को वहीं बढ़ा सकते हैं जहां पर आप हैं। स्थानीय स्तर पर उगाए गए फल, सब्जियां खाने, व्यायाम करने, बाहर जाने और परिवार के साथ अधिक समय बिताने से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।